फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। क्या आप कफ से परेशान हैं और नमक के पानी के गरारे कर करके परेशान हो चुके हैं? तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा उपाय जो बिना किसी परेशानी के आपकी समस्या को दूर कर देगा। जी हाँ, केले का सेवन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे खाने से एनर्जी के साथ साथ भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। केले में विटामिन सी, B6, पोटेशियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन भी होता है जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हीलिंग क्रीमी केला खांसी का एक उत्कृष्ट प्राकृतिक उपाय है और लगातार होने वाले कफ और ब्रोंकाइटिस के इलाज में काफी फायदेमंद होता है। ये बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है, लेकिन ये बड़ों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट के लिए लाभदायक केला स्वादिष्ट, स्वस्थ और पौष्टिक भी होता है। बच्चे के गले में खराश या लगातार खांसी होने पर इस अद्भुत क्रीम को बनाना चाहिए। इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। आइए इसे तैयार करने की विधि के बारे में जानें। 2 मध्यम आकार के पके हुए केले, डॉट्स वाले अच्छे रहते हैं। 2 बड़ा चम्मच चीनी या शहद। अगर आप इसमें शहद मिला रहे हैं तो मिश्रण को ठंडा होने पर मिलाएं, क्योंकि उच्च तापमान में शहद अपने गुणों को खो देता है। 400 मिलीलीटर उबलता पानी। केले लेकर छिलका निकाल लें, फिर इसे चम्मच और कांटे की मदद से मैश करें। कोशिश करें कि चम्मच लकड़ी या प्लास्टिक का ही हो। अब इस पेस्ट में गर्म पानी डालकर कवर करें और इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अगर आपको शहद का उपयोग करना है तो पेस्ट के ठंडा होने के बाद ही इसे मिलाएं। अंत में पेस्ट को प्लास्टिक की छलनी से छान लें। पेस्ट को हल्का गर्म करके दिन में 4 बार लें। हर बार आपको लगभग 100 मिलीलीटर का सेवन करना चाहिए। उपचार के लिए आपको रोजाना नया पेस्ट बनाना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी खांसी महंगी दवाओं के बिना ही ठीक हो जाएगी। केला नरम फल होने के कारण आपके गले पर अनुकूल प्रभाव डालता है। गले में खराश होने पर इसके सेवन से दर्द नहीं होता, क्योंकि इसे निगलना बहुत आसान होता है। केले में 64.3% पानी, 1.3% प्रोटीन, 24.7% कार्बोहाइड्रेट और बहुत ही कम मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इस उपाय का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।